ये काम किया। तो हेलो हाय गाइस, तो आज हम काम करने वाले बाइक का थोड़ा सा, इसमें रैप लाए ऑर्डर किया था मैंने अमेजोन से कार्बन फाइबर, जो कि यहाँ लगे यहाँ जो स्क्रैचेस है ना तो वो भी मिट जाएंगे और मतलब थोड़ी अलग दिखेगी बाइक, इसलिए मैंने मंगवाया था। यहाँ पर लगवाएंगे अपन पूरा, स्क्रैचेस के लिए नहीं मंगवाया था लेकिन ऐसे ही थोड़ा अलग दिखेगा। और मैं सोच रहा हूँ ये पूरा स्टिकरिंग है ना रेड कलर की, वो पूरी हटा दूँ और वहाँ पर कुछ सिर्फ R15 या R1 ऐसा कुछ नाम लिख दूंगा, क्योंकि ये बहुत ही कॉमन है कि ऐसी दो चार गाड़ियाँ कहीं पर भी दिख जाती है अगर सिटी में निकला मैं तब बाहर, तो यही काम करवाना है। तो चलो, और कल हम गए थे लेकिन कोई अच्छा सा रैपिंग करने वाला मिला नहीं हमें, जो रैप कर दे वो पार्ट जो भी है। तो चलो अभी देखते मिलते कोई है क्या अच्छा सा, और फिर वहाँ पर मैं अभी चालू करता हूँ वीडियो। तो ये मैं आ गया वो शॉप पर अभी, तो ये देखो ये बाइक यहाँ पर रैप करना है अपने को, और ये रैप दे दिया है मैंने वो जो शॉपकीपर है उनके पास, वो कटिंग कर रहे हैं। उन्होंने पहले साइज़ ये मेजरमेंट करके लिया था, उस पर कट कर रहे, अभी वो क्लीन कर रहे उतनी जगह, क्योंकि मड बहुत है ना, बारिश का सीज़न चल रहा है, इसलिए वॉश की थी मैंने पहले दिन गाड़ी, लेकिन लावा दुकान में जाते जाते ही ख़राब हो गई थी गाड़ी। तो ऐसे ही ये उनका शॉप है, बोर्ड बाहर ले रहे हो वो गन मशीन ली उसमें, और फिर ये अपना रैप इतना कट कर लिया उन्होंने, और ये अभी वहाँ पर बिठाएंगे वो, तो आप देखो कैसे बिठाते हैं। और आप बोल रहे होगे गाइज ये डायरेक्ट ही ऊपर क्यों लगा दिया, जो रेड क्या बोलते उसको रेडियम था अपना, उसके ऊपर ही तुमने क्यों लगा दिया, और स्टिकर था उसके ऊपर क्यों लगा दिया, पेट्रोल से घसना था निकालना था। तो बात ऐसी है, वो अपने से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, तो उन्होंने कहा था अगर अपन पेट्रोल से घसेंगे पेट्रोल से निकालेंगे तो फिर ये रैप स्टिक नहीं होगा वापस, चिपकेगा नहीं, इसलिए वैसे रेन दो से उनके हिसाब से। मैंने बोला आपको ज़्यादा एक्सपीरियंस है इस बात में, आप आपके हिसाब से कर लो। ऑलराइट, it's been about a month and 20 days and we're going round and round just playing silly games, now you're saying slow it down not right now, then you wink at me and walk away, but let it be, let it be, let it be known, oh, don't go touching and teasing me, telling me no, but this time I need to feel you, ride it teri van ko de dhakka, ride it tera papi hai mood tera, ride it तेरी मैया फिर नाचे हाथ पे का गोल पे का छा तेरी के मोरसा अब ए को से का सुन रहा अब ए कान पे का क्या हा गुशे ग्रैंड ये नॉर्थ ऑफ द किड्स जिस ने सारी एंड द रेड चुकी मार का वॉय तो वीडियो वाज द क्लब ऑन सैटरडे यू एक्टिंग लाइक अ डीवा सेइंग यू डोंट वांट टू पे इट्स गॉटा बी अ फाइस्टी स्टाइल रेज दैट क्राउड आई लव इट व्हेन यू लुक एट मी दैट राइट साइड के रैपिंग कंप्लीट हो गई है। ये देखो आप नीचे से एकदम फिनिशिंग में किया है, और इसके ऊपर वो बॉर्डर भी लगाने वाले हैं, यहाँ से ऐसा फिनिशिंग में किया है एकदम, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो वो साइड का बाकी है बस अपना, ये साइड क्या होगा, ये देखो ये साइड का बाकी, और ये रेड पट्टी है ना इसके ऊपर ही लगाने वाली है, हम कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है इतनी सी बात के लिए। तो ये देखो अभी लेफ्ट साइड का चल रहा है अभी रैपिंग, आप देखते रहो। You play your lip because it came off on the glass. The DJ plays your favorite song, Kanye's on. Now you're beckoning for me to dance. Pulling me, pulling me, pulling me close. As you close your eyes, you're whispering, telling me we gotta go. Won't you take me home? I wanna ride it. तो देखो रैपिंग का काम कंप्लीट हो गया दोनों साइड से, ये साइड से भी और ये साइड से भी कंप्लीट हो गया ये काम। तो ये देखो ऐसा काम हुआ है, ये स्टिकर अंदर से हो वो कुछ दिक्कत की बात नहीं। अभी ये भैया वहाँ पर बॉर्डर लगा रहे, जो रेडियम रहता है रेडियम की हार्ड ये गम रहता है उसको, वो बॉर्डर मार रहे उससे, तो उससे क्या होगा कि अपना जो रैप है ना वो छूटेगा नहीं, उसके कोने कोने से निकलेगा नहीं, इसलिए वो मार रहे हैं। अभी वो काम कंप्लीट हो गया, तो फिर पीछे लाइट टिंट करनी है, नंबर डालना है, और आगे और बॉर्डर का भी काम हो गया है अपना। ये देखो ऐसे एकदम ओके फिनिश हो गए, कुछ कहाँ से निकलेंगे नहीं, अभी कुछ नहीं, सब कुछ ओके हो गया है। तो अभी ये देखो ये जो स्टिकर है ना ये पूरे उतर जाएंगे, अभी आप देखो कैसे निकलते हैं।
तेरा बापी है मूड मेरा हुशैंग टैन तेरी मैया फिर नाचे हाथ देखा गोल देखा छा तेरी के मोरसा अब एक और से का सुन रहा अब एक गान देखा क्या हाँ हुशैंग टैन ये है नॉर्थ फ्रॉम द किड्स जिसने सारी रंदे दे चुकी माँ का उपाय तो देखे आपने कैसे निकल गए रिमूव हो गए पूरे स्टिकर। तो अभी ये देखो हम वहाँ पर जो लोगो है ना R15 वो कस्टम कर रही है। ये अपना खुद का कस्टम है, किसी कॉपी वॉपी नहीं है, खुद का रहेगा पूरा खाली खाली अच्छा नहीं दिखेगा ना, इसलिए हम कस्टम कर रहे हैं R15 का लोगो। अब देखो कैसे कस्टम करते हैं और कैसे बिठाते हैं। हाँ कम करो थोड़ी सी। हाँ थोड़ा सा क्रॉस ही आ रहा है। हाँ कर दो। तो ये साइड से भी बिठा दिए है। देखो ये रहा अपना R15 नाम R15 डाल दिया मैंने, R1 नहीं डाला, ऐसा किया कस्टम। देखो अभी टिंट करते हैं हेडलाइट अपनी, वो देखो आप हेडलाइट कैसे टिंट करते हैं। तो आ गए हम गाइस, देखो ये काम किया, ये दूसरा दिन है क्योंकि उस दिन बहुत ही वहाँ पे शोर था मार्केट में। तो ये काम देखो, ये काम हो गया अपना रैपिंग का। ये देखो 5D कार्बन फाइबर 5D है वो, तो ये वाला काम था। और ये साइड में देखो एकदम फिनिशिंग में काम किया है, वैसे कुछ मतलब प्रॉब्लम तो नहीं है, एकदम ओके काम किया है। और ये साइड से देखो, ये साइड से देखो ये स्टिकरिंग निकली पूरी, बहुत ही कॉमन दिख रहा था वो, मैंने आपको बोला था ना, और दूसरी बाइक वैसे दिख जाती है इसलिए ये निकाला। और ये कस्टम बना है ये पूरा, देखो गाड़ी देखो कैसी दिखती है आपको, पूरी पूरी अलग लुक में दिख रही हो। ये काम किया और ये इसका काम किया रैपिंग का, और ये हेडलैम्प है ना, ये इसको पूरा टिंट कर दिया। ये देखो हेडलैम्प टिंट कर दिया ये वाला, और इधर थोड़ा सा नंबर प्लेट है ना ये थोड़ा सा नॉर्मल फॉन्ट बना दिए, पहले के बोर हो गए थे मैं इसलिए। ये 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 साइड में देखो, एक दो तीन चार काम किए, इतने इतने के उन्होंने लिए 800 रुपये बोल रहे थे वो, लेकिन मतलब बहुत चिक चिक कर रहे थे वो, पैसे थोड़े भी नहीं कम किए उन्होंने, फिर 50 रुपये कम किए उन्होंने, 750 में इतना काम हो गया पूरा सारा। देखो गाड़ी का लुक पूरा चेंज हो गया होगा, और अच्छी भी दिख रही होगी, मुझे तो अच्छी दिख रही है, आपको पता नहीं कैसी दिख रही होगी, कमेंट में आप बता दीजिए कैसी दिख रही है। 750 में इतना काम हुआ, और रैपिंग के ज़्यादा पैसे लगे लगते बस, वो कोई करवाता नहीं है ना इसलिए इसके ज़्यादा पैसे लगे। तो वीडियो आपने देखा होगा पूरा सिनेमेटिक, उसमें बिठाया कैसे उन्होंने, वो आदमी ने कैसे बिठाया क्या, सब कुछ आपने देखा होगा। तो ये काम था अपना, छोटा सा अपडेट दे दूँ बोला गाड़ी का क्या मॉडिफिकेशन चालू है। तो यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करो, कुछ डाउट होगा तो कमेंट कर दो, बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो। पीस।
the side of the gate. Get a better month in 20 days.